हमारा जम्मू कश्मीर जो है बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और सबसे बड़ी एक तरफ तो महंगाई की मार है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के इतने महंगे सिलेंडर कर दिए हैं, और उसके ऊपर से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब से हमारी रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया है, हमारे सारे कानून खत्म कर दिए गए हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट 370 स्पेशल स्टेटस 35 से सब छीन लिया गया है, हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बेहद परेशान है। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो यह है कि इस समय एलजी इंतज़ामिया जो जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगाने जा रही है, वो सबसे बड़ा एक गरीब इंसान के ऊपर और मार है इस महंगाई के साथ साथ, और ये स्मार्ट मीटर्स की मार भी अब उनको पड़ने जा रही है। जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली पैदा होती है, सलाल उड़ी हाइडर प्रोजेक्ट हमारे हैं, हमारी ये मांग है कि सलाल उड़ी हाइडर प्रोजेक्ट हमको वापस किए जाए और फिर उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाए जाए। हम देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से सुनील डिंपल मिशन स्टेट रूट के तमाम कार्यकर्ता कंधों के ऊपर सिलेंडर उठा करके जम्मू की सड़कों के ऊपर है और ये संदेश भेज रहे हैं। एक तरफ आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की महंगाई मार रही है, इतनी महंगी हो गई, भर पेट गरीब इंसान अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहा, ऊपर से स्मार्ट मीटर का जो आपने बोझ डाल दिया है और लोगों को इतने इतने महंगे बिल आ रहे हैं, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लाखों रुपए के बिल, हजारों रुपए के बिल, दो दो तीन तीन लाख रुपए के बिल जो है लोगों को घरों में दिए जा रहे हैं, और जो गरीब इंसान जमा नहीं करवा पा रहा बिल, उसके बिजली के कनेक्शंस काटे जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि एलजी साहब, पहले आप लोग गरीब लोगों के बिजली के किराए माफ कीजिए, उनके बिल चेक करवाइए, ये लाखों रुपए के बिल जो आप उनको थमा रहे हैं, ये बिजली के कनेक्शन मत काटिए, गरीब मार मत कीजिए, जम्मू कश्मीर गरीब रियासत है।